नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये वाबोला के पे क्रिकेट टफ बना हुआ है। किस तरह से टफ में लोग रात के 12:30 बजे 12 बजे या मन मर्जी का समय, उस समय तक चिल्लाते हैं खेलकूद के नाम पर। यहाँ जो चल रहा है लोगों को परेशान करने का, उसके ऊपर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। कि आप आवाज सुन सकते हैं, ये मेन रोड के ऊपर है, पीछे पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस चौकी को शायद ये सुनाई नहीं देता है। 2 बार कंप्लेन की जा चुकी है, कमिश्नर साहब ने खुद इस कंप्लेन का संज्ञान लेकर इसको बंद करवाया था, FIR दर्ज करवाया था, उसके बावजूद फिर ये हाल है। अब देखिए, वाबोला पे वसई विजय सेल्स के सामने ये जो क्रिकेट टफ है, जहां कितना शोरगुल इस समय हो रहा है रात के 12 बजे, किसकी परमिशन से इनको ये सब शोरगुल करने का परमिशन दिया गया है, ये प्रशासन को खुलासा करना चाहिए। महानगर पालिका ने ये टफ बनने देने में परमिशन दी या नहीं दी, इसका भी खुलासा महानगर पालिका को भी करना चाहिए। महानगर पालिका प्रभाग समिति आई, इसको ये टफ क्लब की पूरी परमिशन है या नहीं उसका खुलासा करना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट, कमिश्नर दाते साहब को एक बार पहले कंप्लेन की जा चुकी थी और उन्होंने उस कंप्लेन को भेजा था पुलिस स्टेशन में, वसई पुलिस स्टेशन में, तब इस पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन एक बार फिर कमिश्नर साहब की बातों को बौना साबित करते हुए यहाँ फिर इस तरह से ये सब चालू है। आप सुन सकते हैं आवाजें, कितना शोरगुल है, रात के 12 बजे है, रहवासी बस्ती है, लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, लेकिन इन लोगों को कोई पड़ी नहीं है। और आपको यह भी बता दूं कि स्टफ क्लब को लेकर यहाँ पर अवैध तरीके से जो कमाई हो रही है, शायद उसका हिस्सा महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन को पहुंचता होगा, क्योंकि एक घंटे का यहाँ पर 900 रुपया 1000 रुपया ऐसा चार्जेस लिया जाता है इस टफ क्लब के मालिक जो कोई है उनके द्वारा। तो अब इस कमिश्नर साहब से एक बार यही विनती करूंगा कि इस पर संज्ञान ले और इस कम से कम 10 बजे के बाद इस पर बैन होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।